हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग टर्टल। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट्स को। तो देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने है, ये है निफ्टी 50 का। और निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो एक अपर प्राइस रेंज में निफ्टी यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। जो करेंट प्राइस निफ्टी का है, दैट इज ऑफ अराउंड 18,314। और इसने ये जो छोटा सा एक प्राइस रेंज है, इसको यहां ब्रेक किया हुआ है। टॉप एंड की बात करें, निफ्टी का जो टॉप एंड है वो है दैट इज ऑफ अराउंड 18,350 के आसपास। आप यहां देख सकते हैं 18,350। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और डायरेक्शन में यहां लेके जाना चाहता हूं। अगर आप निफ्टी की इस बड़ी रेंज को एनालाइज करेंगे तो ये जो बड़ी रेंज है, जो निफ्टी का जो ये टॉप एंड है, वो आप यहां पर समझ पाएंगे, और वो है 18,850 के आसपास। तो हम छोटी सी रेंज में ट्रेवल कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बिगर रेंज ऑफ निफ्टी। लेकिन अभी हम इस रेंज के बहुत दूर हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहां से? क्या हम इस टॉप रेंज तक इजिली पहुंचने वाले हैं? दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन वी नो दैट निफ्टी अकेले नहीं प्ले करती, निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी भी है। तो देखिए, ये जो चार्ट है, ये है निफ्टी बैंक का। एक अपर रेंज में करेक्शन देने के बाद ये जो स्मॉल रेंज है निफ्टी बैंक, इसको हमें ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अभी करंट में जो निफ्टी बैंक ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अराउंड 43,790 के आसपास, राइट? यहां पर भी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहां पर भी जो निफ्टी बैंक की अपर रेंज है, दैट इज ऑफ अराउंड 44,120। यहां पर हम बहुत क्लोज हैं इस अपर रेंज के, जबकि निफ्टी में अगर आपको याद होगा अपर रेंज बहुत दूर था। देखिए, तीसरा जो चार्ट मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं वो है फिन निफ्टी का। और हमें पता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, फाइनेंस सेक्टर है, इसका 40% स्टेक ऑलमोस्ट है निफ्टी में। देखिए, फिन निफ्टी का जो स्मॉल रेंज है और जो बिगर रेंज है, वहां पर प्राइस यहां पर ट्रेवल कर रहा है। और जब भी हम एक बिगर रेंज के टॉप पे हम मूव करते हैं, नेचुरली वहां पर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स जो मार्केट है वो बड़ा चौपी सा दिखाई देता है। यहां पर जो प्राइस रेंज है वो है 19,500 फिन निफ्टी में। ये आपके सामने फिन निफ्टी का चार्ट है। अब हम तीनों चार्ट्स का कंपैरिजन आमने सामने करते हैं तो वो हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव यहां पर दिखाएगा। देखिए, लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 है, सेंटर में निफ्टी बैंक है, और राइट साइड में फिन निफ्टी आपके पास है। ये जो आपको निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, ये उनका अगली चार्ट है, और यहां पर हमें बहुत बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, और इस रेंज को अभी तक निफ्टी ने ब्रेकआउट हमको नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम कंपेयर करें निफ्टी बैंक में और फिन निफ्टी में, तो निफ्टी 50 कंपैरेटिवली यहां पर एक वीकर पोजीशन प्ले कर रही है। वेयर इज, अगर हम निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक अपने हायर रेंज के टॉप से थोड़ा सा नीचे है, और फिन निफ्टी अपनी बिगर रेंज, हायर रेंज के टॉप पे ट्रेवल कर रही है। तो देखिए, यहां पर जो निफ्टी 50 की रेंज है, दैट इज इन बिटवीन 18,350 से 18,200, ये रेंज है। मुझे यहां पर बेयरिश होने का कोई भी मुझे कोई यहां पर साइन नहीं दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग सीम्स बुलिश बट चॉपी। तो पुट का तो लेने का सवाल बनता ही नहीं है, लेकिन क्या कॉल हमें लेना है, वो हमारे लिए एक क्वेश्चनेबल चीज हो सकती है। यहां निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक अपनी यहां पर ये जो स्मॉलर रेंज है, इसको ब्रेक कर चुका है और अपने टॉप एंड पे होवर कर रहा है। यहां पर भी मुझे नीचे आने का कोई चांस नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अगर एक स्टॉप लॉस कंसीडर करें, तो ये जो आपको बड़ी ब्लू कैंडल दिखाई दे रही है, इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर प्राइस है, वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का रोल प्ले करना चाहिए, विच इज ऑफ अराउंड 43,600। अगर इसके नीचे आता है प्राइस, तो नेचुरली यहां पर बहुत चौपीनेस हमको ज्यादा दिखाई देगी। और वहीं हम अगर फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी बहुत कंफर्टेबली अपने ये जो स्मॉलर रेंज है, इसके टॉप एंड पे होवर कर रहा है। बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि फिन निफ्टी की जो बिगर रेंज है, जो हमने अभी पिछले डेली के टाइम फ्रेम में देखी हुई है, वहां पर फिन निफ्टी ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए, यहां पर हमारे पास जो एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस हमें दिखाई दे रहा है, वो है ये जो आपको कैंडल जिसके नीचे विक है वो है, और इसका जो लोअर साइड है, दैट इज ऑफ अराउंड 19,340। एक और मैं आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहां पर दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी ने धीरे धीरे अपनी रेंज हायर करी है। दैट मींस जो बियर है, उनके प्रेशर को बुल ने कम किया हुआ है। एवरी टाइम बियर जैसे ही अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, और बुल यहां पर और एग्रेसिव होके प्राइस रेंज को ऊपर लेके गए हैं। लेकिन आपको यहां पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर फिन निफ्टी अपनी ओवरऑल रेंज के टॉप एंड पे ट्रेवल कर रही है। निफ्टी 50 अभी अपनी जो ओवरऑल रेंज है, उसके टॉप एंड पे पहुंची नहीं है, और निफ्टी बैंक यहां पर बहुत नजदीक है अपने टॉप एंड के। तो देखिए, डाउन साइड एज सच
अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है अंटिल अनलेस वी ब्रेक दीज यू नो स्टॉप लॉसेस। अपर साइड ही है, जैसे जैसे हमें करेक्शन मिलेगा चांसेस है बाइंग हमको कंसिस्टेंटली यहां पर देखती जाएगी जब तक ये रेंज के लोग ब्रेकआउट नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बट एंड आई थिंक मंडे को आप बहुत एग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चॉपिनेस मैं एंटिसिपेट यहां पर कर रहा हूं। ट्यूसडे एंड वेंसडे को थोड़ा हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्या हम एक नई टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं ओवरऑल, और क्या हम चॉपिनेस ये जो दिखाई दे रही रेंज जो हमको दिखाई दे रही है इसी में हम ट्रेवल करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।